टोक्यो ओलंपिक के मैदान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त दी। महिला हॉकी टीम की ये जीत इसीलिए भी खास है क्योंकि महिला टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जिसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य निशा के घर में जश्न का माहौल है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। परिवार के साथ साथ पूरे देश को उम्मीद है कि भारतीय महिला हॉकी टीम देश के लिए अब की बार ओलंपिक में मेडल जरूर लेकर आएगी। बहुत अच्छा हुआ है ये, हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं और काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं अपने बच्चों से, अपने देश के लिए। ये देश का मैच से पहले निशा से बात हुई थी जी, क्या कह रही थी निशा? बस यही कह रही थी कि मम्मी दुआ करना कि हम इस टीम से जीत जाएं। उनका बेटा बेफिक्र होकर खेलो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और जीत कर आओगे। सर पहले की बात बताऊं मैं आपको कि जब इन लोगों ने 3 मैच लगातार हारे तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें हम लोग की कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने वापस कमबैक किया है और जो आज का उनका प्रदर्शन है तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंड आई विश, वी ऑल विश कि हम लोग जीतेंगे और गोल्ड लेके आएंगे। सीमा से कुछ बात, ननीशा से कुछ बात हुई हो पहले मैच से पहले? हाँ सर, मॉर्निंग में बात हुई थी उससे हमारी। क्या कह रही थी? तो थोड़ा सा नर्वस थी इस चीज़ को लेके कि बहुत बड़ी वर्ल्ड चैंपियन टीम आपके सामने है, उसको आपके फेस करना है। तो पूरी जो हमारा परिवार है उन्होंने उसको यही कहा कि कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है, आप खेलो और जीतोगे, लेकिन नर्वस नहीं होना, प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को। तो वो चीज़ उसको काम आई एंड पूरी टीम ने 100% दिया। ये खुशी बयान नहीं कर सकते सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। आज क्या नाम है, जो सपना जो हम सजा रखा है हमने, वो पूरा होने जा रहा है आज 100%। बेटी से पहले बात हुई हो? बेटी से आज बात हुई थी, सुबह थोड़ी सी प्रेशर में थी वो, लेकिन हमने उसको कमबैक किया कि ऐसा मत कर बेटे, ये ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जीत कर आओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ, दुआएं तुम्हारे साथ हैं सबकी, पूरा देश दुआएं मांग रहा है, हम ही नहीं जितने भी बच्चे गए सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीत कर आएँ। ये कहना चाहता हूँ जी कि आज बड़ी इससे ज़्यादा खुशी और कोई हो ही नहीं सकती कि आज हमारी बेटी निशा जो इस मुकाम पर पहुँची है, और पूरी टीम, उनके पूरी टीम को आज पूरी बधाई देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे जो है खेलती रहें और आगे ऐसी इसी तरीके से बढ़ती रहें, और इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल जीता है तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीत के आवें, वो फाइनल भी और गोल्ड मेडल लेके आवें। निशा के परिजनों की माने तो अब की बार उनकी बेटी की अगुवाई में टीम देश के लिए मेडल जरूर लेकर आएगी और देश के साथ साथ उनका भी नाम रोशन करेगी। परिवार ने टीम इंडिया और देश के नाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को भी बधाइयां दी। बस अब इंतजार है तो देश के नाम गोल्ड मेडल जीतने का, जिस पर सभी देशवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।